महाराष्ट्रामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आजचा व्हिडिओ हा माझी बहिणीचा व्हिडिओ आहे, अपर्णाज फन अँड फूड। तुम्हाला व्हिडिओ जर आवडला तर त्याला लाईक आणि शेअर करा आणि तिच्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सोबत माझ्याही चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हा व्हिडिओ तुम्ही एन्जॉय करा। मग भेटू आपण नेक्स्ट रेसिपी मध्ये। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मक्का पोहा लड्डू। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं ये लड्डू, और अभी दिवाली फेस्टिवल आ रहे हैं तो आप ये लड्डू ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने घी गरम किया है और मकई पोहा को हम फ्राई कर लेंगे। मकई पोहा जो होता है वो थोड़ा थोड़े डार्क ही आप फ्राई कीजिए। थोड़े थोड़े डालने से वो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे, कड़क नहीं बनेंगे। तो ये मकई पोहा मैंने 2 कप लिए हैं, आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं। ऐसे करके हमने सारे मकई पोहा फ्राई किए हैं। तो अभी हम ये मकई पोहा जो है वो हाथ से हम ऐसे दबाकर उसके पाउडर, कोर्स पाउडर बनाएंगे। आप चाहे तो ये मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर मिक्सर में थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर ग्राइंड हो जाता है, इसलिए आप हाथ से ही कीजिए। थोड़ा सा कोर्स टेक्सचर हमें रखना है। इस तरह से हमने कोर्स टेक्सचर बना लिया है। और अभी हम कढ़ाई में घी गरम किया 2 टेबल स्पून, और उसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। उसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गेहूं का आटा भी हमारा रोस्ट हो चुका है, और अभी हम एक बड़ी कढ़ाई गरम करेंगे। उसमें हम 2 कप चिवड़ा पोहा होता है वो उसको रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। रोस्ट हो चुके हैं, रोस्ट होने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम ग्राइंड करने के बाद इसमें डाल देंगे मकई पोहा मिक्सचर में। तो ये जो कटोरी मैंने ली है इसी से माप लिया है, तो आप कौन सा भी एक कटोरी लीजिए या फिर मेज़रमेंट लीजिए, उससे ही आप ये सब चीज़ें डालिए। तो 1 कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। और 1.5 कप हमें पीसी हुई चीनी डालनी है। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप अपने पसंद के अनुसार आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कढ़ाई में हमने घी गरम करने के लिए रखा है, तो घी गरम हो चुका है और अब हम ये घी मिक्सचर में डालेंगे। ये लड्डू हमें घी में ही बनाने होते हैं। तो ये घी जो है वो उतना ही ऐड करना है जब तक कि हमारे लड्डू ना बन जाए। हम घी डालने के बाद मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर हमारा थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसलिए हम फिर से घी को गरम करेंगे और उसमें डालेंगे। तो अभी एक परफेक्ट टेक्सचर आ चुका है, तो अभी हम लड्डू बनाने के लिए रेडी है। तो अभी हम ये मीडियम साइज के लड्डू बना रहे हैं। इस तरह से लड्डू बनाइए। कुछ अलग प्रकार के ये लड्डू है, तो आप इस दिवाली में जरूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। और इसे हम ड्राई करने के लिए छोड़ेंगे। ड्राई होने के बाद हमारे लड्डू कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए अपर्णास फन एंड फूड। बाय बाय।